पाँच तारीख हो गया तो और 23-24 को एग्जाम होना है, तो 20 दिन भी नहीं बचा फिर। तब की बार बार इस तरह का क्यों किया जा रहा है? 26-27 नवंबर को होना था, उसमें भी यही काम किया गया और अभी भी वही काम किया जा रहा है। अरे आपको लेना है एग्जाम तो एडमिट कार्ड जारी कीजिएगा ना 20-25 दिन पहले, कम से कम 25 दिन पहले तो एडमिट कार्ड जारी कर दीजिए। SSC के द्वारा लगातार छात्रों के साथ जो है सो एक तरह से समझिए खिलवाड़ किया जा रहा है उनके भविष्य से, उनको दिग्भ्रमित किया जाता है, गुमराह किया जाता है। तो ये ढुलमुल रवैया से काम नहीं चलेगा। आप BSSC का जो पुराना ढर्रा था उसको बदलना पड़ेगा, क्योंकि आप वो सोचेंगे 2014-15 या 2017 वाली बात अब नहीं चलेगी। अब ये 2022 खत्म हो रहा है, 23 आने वाला है, तो अब 2014-15 की बात नहीं होगी। आपको 1.5 साल के अंदर बहाली पूरा करना होगा, इस बात का भी ध्यान रखिए आप। नमस्कार, NBC 24 देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अभिषेक। BSSC CGL 3 का एग्जाम की डेट की घोषणा जो है वो हो गई थी, 23 और 24 तारीख को एग्जाम होना था, और जिसके बाद एक लेटर लगातार सोशल मीडिया पे तेजी से वायरल हो रहा है। तो वहीं अभ्यर्थियों का लगातार यह कहना है कि एडमिट कार्ड हमारा अभी तक जारी नहीं हुआ है। हमारे साथ बात करने के लिए छात्र नेता दिलीप है, दिलीप से बात करेंगे इस मुद्दे पे। दिलीप जी, क्या कुछ कहिएगा, जिस तरीके से BSSC CGL 3 का एग्जाम होना था उसको लेकर, एग्जाम 23 और 24 को होना था लेकिन देखा जाए तो अभी तक एडमिट कार्ड भी जारी नहीं हुआ है। देखिए, 2 दिन पहले ही मीटिंग हुई है मुख्य सचिव के साथ, उसमें BSSC के चेयरमैन भी थे और सभी जिला के जिलाधिकारी भी थे। तो उसके बाद ये माना जा रहा है कि 23-24 दिसंबर को परीक्षा हो जाएगी, लेकिन एक लेटर सोशल साइट्स पे वायरल हो रहा है जिसमें ये कहा जा रहा है कि ये परीक्षा स्थगित की जाती है और जनवरी में एग्जाम होगा, डेट भी दिया गया है शायद। लेकिन उस लेटर को देखने से थोड़ा सा संदेह उत्पन्न होता है, क्योंकि उसमें जो 9 सितंबर का जिक्र किया गया है तो 9 सितंबर के अनुसार 26-27 नवंबर को एग्जाम होना था, जो 9 सितंबर को नोटिस जारी हुआ था जी। लेकिन अब क्या सच्चाई है तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन BSSC को चाहिए कि एडमिट कार्ड अगर उनको लेना एग्जाम तो एडमिट कार्ड जारी करना चाहिए ना। आज तो 5 तारीख हो गया, आज 5 तारीख हो गया तो और 23-24 को एग्जाम होना है, तो 20 दिन भी नहीं बचा फिर। तब की बार बार इस तरह का क्यों किया जा रहा है? 26-27 नवंबर को होना था, उसमें भी यही काम किया गया और अभी भी वही काम किया जा रहा है। अरे आपको लेना है एग्जाम तो आप एडमिट कार्ड जारी कीजिएगा ना 20-25 दिन पहले, कम से कम 25 दिन पहले तो एडमिट कार्ड जारी कर दीजिए। तो ये इस तरह से जो है छात्रों को बार बार जो है परेशानी में डाला जा रहा है, इससे पहले भी डाला गया फिर डाला जा रहा है, और एक लेटर वायरल हो रहा है, उसकी क्या सत्यता है ये तो हम लोग नहीं जानते हैं। हो सकता है वो फर्जी हो, एडिटेड हो, तो कम से कम BSSC को इस पर कुछ तो नोटिस देना चाहिए ना कि हाँ वो लेटर फर्जी है या क्या है, नहीं है या एडमिट कार्ड वो कब जारी करेगी, ये तो बता देना चाहिए BSSC को। लेकिन BSSC के द्वारा लगातार छात्रों के साथ जो है सो एक तरह से समझिए खिलवाड़ किया जा रहा है उनके भविष्य से, उनको दिग्भ्रमित किया जाता है, गुमराह किया जाता है। तो ये ढुलमुल रवैया से काम नहीं चलेगा। आप BSSC का जो पुराना ढर्रा था उसको बदलना पड़ेगा, क्योंकि आप वो सोचेंगे 2014-15 या 2017 वाली बात अब नहीं चलेगी। अब ये 2022 खत्म हो रहा है, 23 आने वाला है, तो अब 2014-15 की बात नहीं होगी। आपको 1.5 साल के अंदर बहाली पूरा करना होगा, इस बात का भी ध्यान रखिए आप। देखा जाए दिलीप जी, तो पिछली दफा कहा गया था कि परीक्षा होगी लेकिन उसको भी कैंसिल कर दिया गया, और उसके बाद 23 और 24 को डेट की घोषणा हुई थी, लेकिन कहीं ना कहीं अब भी संशय का विषय बना हुआ, कहा जा रहा है कि जनवरी में होगा। देखिए, अभी कुछ ये कन्फर्म नहीं है, वो लेटर फर्जी है, एडिटेड है, क्या है नहीं है तो पता नहीं चल रहा है अभी। हो सकता है वो लेटर वो फर्जी भी हो, कोई एडिट करके इसे कर रहा हो, तो जब तक BSSC के ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं आ जाएगा तो कैसे सही माना जाएगा, उस चीज़ को नहीं माना जा सकता है। लेकिन परीक्षार्थियों को मैं यही कहेंगे कि आप 23-24 दिसंबर को सही मानकर तैयारी करें जी, उसी को सही मानकर तैयारी करें। क्या होगा नहीं होगा तो BSSC को पता है, बाकी तो बाहर किसी को कुछ पता नहीं है। लेकिन अगर BSSC बार बार इस तरह से करेगी कि चेंजिंग लाए, नोटिफिकेशन दे दे, फिर जब एग्जाम नजदीक आए 20 दिन बचे तो फिर एक नोटिफिकेशन दे दे कि एग्जाम नहीं होगा, फिर वही चीज करते, तो स्टूडेंट्स के साथ तो एक तरह से इनके मानसिकता से खिलवाड़ किया जा रहा है, इनके भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है। तो ये नहीं ऐसा होना चाहिए, इससे स्टूडेंट जो है बहुत पीड़ित हो जाते हैं, मानसिक रूप से प्रताड़ित हो जाते हैं। तो ऐसा BSSC को नहीं करना चाहिए, इस पर इनको सोचना चाहिए गंभीरतापूर्वक कि इस तरह की पुनरावृत्ति ना हो। आपको जब लेना है एग्जाम एकदम कन्फर्म डेट दीजिए, उस डेट पर एग्जाम लीजिए आप, या फिर आप कॉलेज सेंटर की व्यवस्था कर लीजिए, पूरा तैयारी कर लीजिए, उसके बाद एग्जाम डेट घोषित कीजिए। लेकिन ये कोई तरीका नहीं हुआ ना, आपको 23-24 को एग्जाम होना है और अभी आप कुछ एडमिट कार्ड भी नहीं जारी किए हैं, तो फिर वही बात हो गई जैसे पिछले महीने हुई थी 26-27 नवंबर के एग्जाम को लेकर। जो अभ्यर्थी परेशान है उन अभ्यर्थियों को क्या कुछ कहेगा? देखिए, छात्रों से हम यही कहेंगे, छात्राओं से यही कहेंगे कि आप लोग पढ़ाई कीजिए जी। हम लोग तो डिमांड कर ही रहे हैं कि जल्द से जल्द अगर एग्जाम हो रहा है तो एडमिट कार्ड आप जारी 25 दिन पहले होना चाहिए। लेकिन मार्केट में बहुत सारी बातें चलती है, 10 तरह की खबरें चलती है, तो उन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं दें, सिर्फ अपने पढ़ाई पर फोकस करें। और हम लोग BSSC से ये मांग कर रहे हैं कि जो भी करना हो आप स्पष्ट कीजिए,
बाकी अभ्यर्थी लोग पढ़ाई करें, क्योंकि अगर 10 तरह का आप देखेंगे इधर उधर तो फिर पढ़ाई डिस्टर्ब होगा आपके। अगर मान लीजिए इसी बीच अगर 23-24 दिसंबर को एग्जाम हो गया तो फिर आपका जो समय गुजरेगा वो वापस नहीं आता है। बिल्कुल, तो आपने सुना हमारे साथ छात्र नेता दिलीप थे, किस तरीके से जो एग्जाम होना है बीएसएससी सीजीएल 3 को लेकर उसको लेकर तमाम बातें कही है छात्र नेता दिलीप ने। तो वहीं अभ्यर्थी जो हैं वो परेशान ना हो, अपनी तैयारी जो है करते रहें। तो वहीं संशय का लगातार विषय बना हुआ है, तो साफ कहा है कि अभी तक पुष्टि नहीं हुई है कि 23 और 24 को एग्जाम नहीं होगा। जिस तरीके से बीएसएससी की तरफ से विज्ञापन जो है निकाला गया था बहाली को लेकर या फिर लेटर जारी हुआ था जिस तरीके से, उसी पे अभ्यर्थियों को चलना है और उसी पे ध्यान देना है। तो वहीं अभ्यर्थी जो तैयारी कर रहे हैं बीएसएससी सीजीएल 3 को लेकर वो तैयारी करते रहे। फिलहाल क्या कुछ कहते हैं छात्र नेता दिलीप, आपने सुना है। और भी तमाम खबरों के लिए NBC24 के साथ बने रहे। अगर ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक फॉलो कर ले, अगर ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। बहुत बहुत धन्यवाद।